देखो रो रो एक रोके देखा मंजुली का तो गाइस यहाँ पे पब्लिक शूट हो रहा है हमारा और वहाँ पे बस खड़ी है हमारी हेलो जी गुड मॉर्निंग जय श्री राम जय श्री श्याम। तो अभी गाइस बारिश हो रही है जयपुर में बहुत ही सुबह से रात से बारिश हो रही है। आप दिखाता हूँ मैं आपको, देखो सब जगह पानी भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आई होप कि जोधपुर में बारिश ना हो क्योंकि अभी हम जयपुर टू जोधपुर जा रहे हैं क्योंकि जोधपुर में हमारा बहुत ही प्यारा गाना बाबा श्याम का गाना शूट हो रहा है। तो उसके लिए हम जा रहे हैं, दो से तीन दिन का शूट रहेगा जोधपुर में, 8, 9, 10 तीन दिन का शूट रहेगा जोधपुर में। तो फुल एंजॉय होने वाला है, बहुत ही प्यारा गाना है, इसकी स्टोरी बहुत ही प्यारी है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। वैसे मैं इसमें थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट करता रहूँगा कि कैसे क्या शूट होता है सब दिखाऊँगा। तो हम जल्दी जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, पानी इकट्ठे भर जाएंगे रोड पर। तो जल्दी से निकलते हैं जोधपुर के लिए, बैग सब रेडी हो चुके हैं, तनु भी रेडी हो गई है, मेहू भी रेडी हो गई है, बैग भी रेडी हो गया है। देखो तो बस अभी जल्दी से हम लोग निकल रहे हैं जोधपुर के लिए और टैंक फुल करवा देंगे गाड़ी की और हाईवे पे कहीं रुकेंगे। तो मैं कंटिन्यू लाइव करूँगा क्योंकि बारिश ज़्यादा आ रही है तो देख के जाना पड़ेगा, थोड़ा स्लो जाएंगे, आराम से जाएंगे। वैसे भी शूट कल से स्टार्ट होगा तो अभी बस थोड़ी देर में अभी बैग निकलने वाले हैं। और कहाँ जा रहे हो? जोधपुर। जोधपुर जा रहे हो, क्या करना है? तो बस अभी गाइस हम निकल रहे हैं, मैंने बैग ले लिया है, इसमें शूज वगैरह लिए, इसमें मेरे कपड़े और मेहू के कपड़े, इसमें तनु के कपड़े। तो अभी हम निकल रहे हैं और ये पोशाक आई हुई है आस्था परिधान की, तो वो भी हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा रुक के वहाँ पे प्रमोशन करके आएंगे। हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं ये जयपुर का हाल हो रखा है, 200 फीट के साइड इतना सारा पानी है नीचे, कैसे तो गाड़ी जा रही है, बहुत लोग तो फंस रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग तो चला ही नहीं रहे, रोक के खड़े हैं। अगर हाँ, इतना पानी नहीं है पर सेम ही धार है, आगे भी धार ही है। अब देखते हैं कब तक हम 200 फीट पहुंच पाते हैं क्योंकि पानी से हालत खराब हो रखी है ड्राइवर की। ड्राइवर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं? देख सकते हो ये जगह आपने देखी होगी, यहाँ पे इतना पानी है जबकि इसकी रोड देख सकते हो आप, इतनी बड़ी रोड है, यहाँ पे इतना पानी जमा है, आगे तो क्या ही हाल होगा, 200 फीट तक तो पता नहीं क्या हाल है। हमारे साइड तो आगे ना मिले, आगे परेशान नहीं होगा ना, कल शूट है हमारा, कल हमारा शूट है जोधपुर में, अभी हम जोधपुर के लिए ही जा रहे हैं और ये हाल है अभी जयपुर का, सुबह से बारिश हो रही है। स्विमिंग पूल बना हुआ है, पूरे रोड स्विमिंग पूल बने हुए हैं, वहाँ देखो घुटने तक पानी है भाई, और 200 फीट हमारे साइड तो नहीं है लेकिन इस रोड पे बहुत ज्यादा है। बारिश में बाहर निकलते नहीं, आज फर्स्ट टाइम बाहर निकले और देखने का, देखो मंजर कैसा है आज, बारिश यहाँ पे भी पानी है भाई साहब, जहाँ मेट्रो बन रही है इतना नहीं है पे तो, बाकी लोगों की तो नंबर प्लेट भी नीचे गिरी पड़ी दिखती है आज, तो वहाँ पे तगड़ा था पानी, भगवान करे कल हमारी गाड़ी पिंचर भी हो गई थी इस बारिश के पानी की वजह से, भूक लग गई गाड़ी के। सो देखो 200 फीट के यहाँ आ चुके हैं हम और यहाँ पे भी पानी है, आज बड़ा अंदर से हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि पानी भरे होंगे, इसलिए सोचा कि हाईवे से चलते हैं बेस्ट, क्योंकि अंदर की साइड है ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी होता है, वहाँ कच्चे रोड भी है तो वहाँ फंसने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, तो हमने सोचा 200 फीट से जाए, लेकिन 200 फीट की भी ये हालत है, कैसे निकले हम। चलो आगे दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। हम लोग जयपुर में फंसे हुए हैं और हम घर से निकले थे 10 बजे और अब बज रहे 12, देख लो ये अभी तक बहुत, मतलब 200 फीट से था और अभी तक यहाँ पहुँचे, अभी जयपुर में ही है, अभी बता रहा है 324 किलोमीटर और जयपुर से और जोधपुर का रास्ता है 334 किलोमीटर, शायद 10 किलोमीटर आए हैं अभी तक, वो भी 2 घंटे में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक और पानी भरा पड़ा है वहाँ पे, देखो उस समय पानी अभी भी है और आगे फुल ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यार, परेशान हो गए। मैडम के तो मजे हैं, जो चलाए गाड़ी उसको बताया है। जैसे यहाँ पे हम लोग रुके थे, यहाँ पे भी हमने ब्रेकफास्ट करा है, ब्रेकफास्ट मतलब दोपहर में ब्रेकफास्ट करे, 3 बज रहे हैं अभी देख लो, इसमें टाइमिंग ही बता रहा अभी। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से जोधपुर के लिए और करीबन 240 किलोमीटर है, जाते जाते 4 घंटे बता रहे हैं, 4-5 घंटे लग ही जाएंगे। 4 घंटे हमने ना ऐसे जो खाना खाया था ना वहाँ से, हमने जयपुर से
हेलो जी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बंद करना गाना यार होटल में, और मैं हूँ खेल रही नानी के साथ। अब रेस्ट कर रहे हैं, पैर दुख रहे हैं कम से बहुत ज़्यादा। करीबन हमने ट्रैवलिंग करा है 9 घंटे और मैं देख रहा हूँ टीवी। मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शूट के लिए और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मेहू और उसकी नानी को छोड़ के हम जा रहे हैं शूट पर। फ्लैश से कुछ दिख नहीं होगा, आई थिंक हम रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गया हूँ। तो गाइस फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं शूट लोकेशन पे। फर्स्ट सीन मेरा शूट होगा, तो उन का दोपहर के बाद होगा। चलो देखते हैं क्या सीन है और कैसे निकलना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शूट लोकेशन पे। हम सुबह कब से उठे हुए, 5 बजे से हम रेडी हो गए, लेकिन जो बाकी के लोग थे वो रेडी नहीं हुए थे। अभी सामने उसमें पूरा अपना कैमरे का सामान, जो प्रॉप्स हो गए सब जा रहे हैं। आगे जो गाड़ी जा रही है और अभी हम जा रहे हैं ब्लू दिल्ली में, वहाँ पे शूट होने वाला है हमारा। तो कौन सा सीन है मैं पता चल जाएगा, वहाँ जाने के बाद शूट करेंगे। तो मिलते हैं, जाके मिलते हैं, यहाँ पे बहुत खड्डे हैं। गाड़ी हमें ऐसे पार करनी पड़ी, यहाँ पे हम आए हैं ब्लू सिटी के, यहाँ पे शूट करने के लिए जा रहे हैं अंदर। गाड़ी हमने यहाँ पार करी है, पूरी टीम वहाँ नीचे खड़ी है, यहाँ पे 4 व्हीलर ऊपर जाती नहीं है। हमने यहाँ पार करके अभी चल के जाएंगे ऊपर हम लोग। तो गाइस अभी अपने प्रेम भाई कैमरा लगाते हुए, आज फर्स्ट देखो पहला काम है प्रेम भाई के साथ, है ना, फर्स्ट टाइम हम साथ में काम कर रहे हैं। यस, तो चलो आई होप कि मस्त गाना शूट हो गया, अच्छा निकल गया है। और रिसेंटली हम यहीं शूट करके गए थे काली थार, और यहीं पे वापस आ चुके हैं 3-4 दिनों के बीच हम बीच। गाइस ये मेरी तनु है, क्या पता ये तनु है, तो ये मिसिंग हो गई है। ये मिल गई गाइस, मिल गई तनु है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जोधपुर दोबारा, और करीबन हम यहाँ पे 2-3 दिन रुके गए, इतनी गलियों में घूमे, इतने परेशान हो गए इस गलियों से लापतागंज में। यहाँ पे हम शूट करके गए थे काली धार का, और यहीं पे अभी वापस शूट कर रहे हैं। और तनु का मेकअप थोड़ा करते हुए कि हारी परेशान, और वहाँ पे बेबी को रेडी करते हुए, अभी तो डमी है, उसके बाद हॉस्पिटल में ओरिजिनल बेबी रखेंगे। तो गाइस ये देखो दोनों की हालत, बच्चा खो गया है, दोनों भी खो गई है, हटा दिया गया पोस्टर यहाँ से। तो अभी हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे, यार रिसेंटली शूट करके गए थे काली धार का, यहीं पे हम रील बनाई थी, वापस हम यहीं शूट करने के लिए आए हैं। देखो रो रो एक रोके जगह मंजुली का अजरी इतनी गंदी एक्टिंग, ठीक आ जा ए स्त्री कल आना। इस यहाँ का शूट खत्म हो चुका है, और अभी हम लोग थार निकाल दिया अपन ने, और अभी हम लोग निकल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ पे हमारा शूट होने वाला है। बस का होगा, हॉस्पिटल का होगा, वो दोपहर आफ्टरनून 2 बजे होगा। ड्रोन का गाइस शूट स्टार्ट होने वाला है, और ड्रोन से शूट हो रहा है ये। तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ का शॉट हो चुका है, शूट जो बस 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 के पीछे भागने का शॉट है तनु का, और सच में रोने का। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं वापस बस स्टॉप के, वहाँ पे थोड़ा शॉट वहाँ का बाकी है। बाकी बहुत ही प्यारा एक्ट किया तनु ने, मजा आ गया। चलो आगे चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे मिर्ची वड़े खा के जाएंगे, और कुछ हमारे फैमिलीज मिल चुकी थी, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। इतना झूठ बोल रहे हो आप, इतना झूठ बोल रहे हो। हाँ। मैं कॉल करने वाला हूँ, देखते
तो गाइस यहाँ से हॉस्पिटल से तन्नू का भागने का शॉट लगेगा, गेट से भाग के आएगी तन्नू बच्चे को लेके। तो गाइस डॉक्टर डॉक्टर सुई लगा लो, मिर्ची उड़ गिला। अभी घर पे आ रहे हैं, सॉरी होटल में मेरी वेट कर रही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज शूट का दूसरा दिन है और आज भी हमारी ड्रेसिंग यही है। अभी ये गाइस मेकअप कर रही है महल। तो आज रितु जी का भी शूट, यस रितु का भी, आज रितु भी शूट में है और हमारा भी अभी शूट होगा। तो अभी हमने कल जो ड्रेसिंग बनी थी वो ड्रेसिंग आज वेयर कर रखी है ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शूट करने के लिए, बस वाला सीन कल हमने करा था, आधा अधूरा शूट हुआ था, वापस जा रहे हैं। तो वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। देख रहे तनु बन के मंजिली का। तो गाइस हम आ चुके बस स्टॉप पे, यहाँ पे शूट होने वाला बस स्टॉप वाला। देखो तनु चुड़ैल बनी हुई है मंजुली का। और तो गाइस यहाँ पे पब्लिक शूट हो रहा है हमारा और वहाँ पे बस खड़ी है हमारी भीड़। गाइस तनु का शॉट है अभी और अभी रितु और वहाँ से ध्रुवी भाई आएंगे और यहाँ का शूट एक प्यारा से शूट होगा। उसके बाद आगे क्रिएटिविटी पे ये शूट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये स्टोरी है स्टार्टिंग वाली। गाइस शूट पैकअप हो चुका है और हम आ चुके हैं होटल के रूम पे और बहुत थक चुके हैं। और अभी जो बाकी टीम है वो निकल रही है खाटू श्याम जी के लिए, उनका वहाँ शूट है रितु और ध्रुवी भाई का। और अभी हमारा यहाँ पे शूट खत्म हो चुका है, अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए किचन। यहाँ पे होटल है किसान, वहाँ पर बहुत भूख लगी, अच्छा खाना बनाता है। तो खाना खाने आएंगे और फिर हम रुकेंगे यहाँ पे जोधपुर में, है ना। गाइस हम आए द कोटरी हेरिटेज, ये हमारा स्टे वाली होटल है जहाँ हम स्टे करेंगे। देखते हैं अंदर कैसा है, लोकेशन है और यहाँ पे हमने स्टे करा है। लेट्स सी, देखते हैं अंदर से कैसी है। तो गाइस ये लोकेशन है, गाइस आप लोग विजिट करने वाले हैं अभी कोटरी। यहाँ पे ये अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे हम शूट करेंगे पोशाक का। अभी गार्डन फेसिंग रूम है, तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कैसी रूम है और कैसे इन्होंने रूम में प्रोवाइड करवाई है। लेट्स सी, देखते हैं। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं कोटरी हेरिटेज में। मैं तो मत करना कुछ भी, खाली पड़ा है जो पैसे भर के देने चाहिए इसमें। और ये हमारा बेड है, तभी हम लोग आए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और अब ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे जयपुर के लिए। तो ये सब ब्रेकफास्ट में है, तो इस चीज़ से हमें ले लिए। तो ये खाने के बाद अब निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, निकल जाएंगे जयपुर के लिए क्योंकि बारिश स्टार्ट होने वाली है। तभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए, बैक टू होम फाइनली। चार पाँच, यस आ जाओ, चार पाँच दिनों के बाद हम जा रहे हैं वापस अपने गाँव जयपुर। तो गाइस हम जयपुर पहुंच चुके हैं फाइनली। कितने बज गए, अच्छा हुआ कि हम जब गए तो बारिश थी, आए तो बारिश नहीं थी, अच्छा हुआ वरना। आज बारिश का बताया तो था लेकिन अभी भी बादल मस्त खुले हुए हैं, तो बारिश तो नहीं है जयपुर में, बट ट्रैफिक जरूर हो सकता है यहाँ पे। तो हम तो जाएंगे अंदर के साइड से, कहीं से जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी से 21 किलोमीटर बाकी है तो जल्दी पहुँच जाए। और बस जयपुर तो आ चुके हैं, महर भी सो रही है, तो अब सीधा आपसे घर जाके मिलेंगे क्योंकि चार दिन हो गए हैं। घर का क्या हाल है कुछ नहीं पता, पौधे वौधे उनको पानी भी नहीं दिया था मैंने, चार दिन से यहीं हैं हम लोग। तो बारिश हुई होगी तो पौधे एकदम सही सलामत होंगे।